जोहर फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज मैं जंगल एडवेंचर के लिए निकला हूँ और ऐसे में सोचा हूँ कि जंगल में रहने वाले जो मुर्गियाँ होती हैं, वाइल्ड हेंस या बोलेंगे तितिर यानी क्वेल्स, उसको पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। साथ में मेरे मित्र मिस्टर संजय किस्कू है। एक कुल्हाड़ी के साथ मैं संजय किस्कू और मस्त टोपी के साथ, क्योंकि धूप से बचना है इसलिए टोपी मैंने पहन रखा है। तो हेलो फ्रेंड, आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। ओके रेडी, लेट्स गो टू द फॉरेस्ट एंड कुल्हाड़ी। ओके, लेट्स गो टू द फॉरेस्ट। तो दोस्तों देखिए, आगे बड़ी मजा आने वाली है। बहुत बहुत बड़ा जंगल, वी विल डू सम एडवेंचर ऑफ थिंग। बहुत बड़ा जंगल है। तो दोस्तों इस पेड़ को देखिए कितना ऊंचा है और इसमें एक प्रकार का क्लाइंबर यानी वो पौधे जो दूसरे पौधे के ऊपर सहारा लेते हुए आगे बढ़ते हैं वो है। तो मेरे सामने ये बड़ा सा लंबा पेड़ है, हिंदी में हम लोग इसे सेमल का पेड़ बोलते हैं। तो जिस तरह पलाश का फूल निकलता है उसी प्रकार इसमें से फूल निकलते हैं, लाल लाल किंतु बड़े बड़े, और उसको फूल से बनता है रुई। हेलो माय फ्रेंड हैज गॉट इन प्रॉब्लम, कांटा जड़ गया है। थोड़ा अच्छा से निकालिए, मैं निकाल दूँ, मदद कर दूँ? मदद कर दिए, मदद कर दिए। ओके थैंक यू। तो देख के चलना पड़ता है। We are having one or not two the trees, two trees of bear. Yeah. This jujubes trees, or you can say jujubes trees. All be dikhaun jungle trees. Jungle trees abhi thoda ja hai. Haan, if you want. Acha chaliye dada. पे पहुंचे, वहाँ पे एक क्लाइंबर वाले पौधा है, इसके फूल बिल्कुल खूबसूरत है। वाह, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। Look friend, I have got struck. Look friends, here there is one bamboo plant. No my friend, take it. Take this wild berry. You may like it. खाइए आप इसे। खाएंगे, ये तो खाना है। ये फल जल्दी मिलता नहीं है। ये खाना। अभी वसंत ऋतु का मौसम है, स्प्रिंग सीजन। बहुत बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मीठा हुआ। अच्छा, वाइल्ड रेसबेरीज, वेरी टेस्टी, स्वीट। फ्रेंड, आप लोग को जंगली फल खाना चाहिए। ये फल जल्दी मिलता नहीं है, ये सीजन में मिलता है। हाँ अच्छा, एकदम मीठा, छोटा छोटा अंदर में दाना है, कट कट कट।
चबारद आवाज कर रहा है, बहुत ही अच्छा। तो फ्रेंड्स, आप लोग जिस इलाके में रहते हैं वहाँ आसपास तो जंगल होगा, वहाँ जंगल जाके कुछ फल खा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये अजीब टाइप का इसका फल है, पत्ता एक भी नहीं है। तो ये जो फल है, तो जिस आदमी का कान में बहरापन का बीमारी होता है उससे यह ठीक किया जाता है, लेकिन किस प्रकार मुझे मुझे नहीं मालूम। तो दोस्तों, ये एक प्रकार का जाल है जो जिसे मैंने बांस की कमनियों से और बेल्ट के धागे से बनाया है, और इससे मैं चिड़ियाँ पकड़ने की कोशिश करता हूँ। ये जंगली मुर्गियाँ हो सकती है या तीतर यानी कोयल हो सकते हैं। तो चलिए आप लोग को दिखाता हूँ मैं इसे किस प्रकार लगाता हूँ। पहले तो हम लोग थोड़ा सा साफ करेंगे, ठीक है, साफ करेंगे इस एरिया से माई फ्रेंड मिस्टर संजीव किस्कू इज क्लियरिंग द श्रब्स। पकड़ता हूँ मैं मित्र। आप देखिए जाली, ऐसा लग रहा है कि बाउंड्री वॉल बना रहे हैं हम लोग। ये आधा हो गया लगा, हाँ ये साफ साफ कर साफ कर दी, ठीक है। इसको हम लोग गलाते हैं जमीन। हाँ हाँ, उधर उधर धो दो साफ किए, जहाँ किए हैं ना ऐसा। हाँ उधर उधर मैं अपने दोस्त की मदद से जाल को जमीन पर गाड़ रहा हूँ। थोड़ा टाइट कीजिए, थोड़ा टाइट टानिए। हाँ टाइट घुसाइए। हाँ और भी है, और टाइट कीजिए, नहीं तो बाहर जा चले। पूरी ऐसे हम लोग कुछ चावल लाए हैं जो घर में जो हम लोग खाते हैं वही अभी यहाँ हम लोग अगल बगल जाली के अगल बगल छिड़केंगे ताकि तीतर जो है आराम से यहाँ आए और यहाँ चरे और जाल में फंस जाए। आप ऐसा कीजिए, जाली जो है ना यहाँ, यहाँ जो है चेक करें। हाँ इसको चेक कीजिए, बढ़िया से कीजिए। हम तब तो दाना छींटते हैं, ठीक है, एक एक वहाँ चेक करते हैं भाई। और चारा डालना चाहिए, और भी चारा नहीं हुआ है। तो मेरे मित्र और मैंने जाल को लगा दिया है, चारा भी मेरे मित्र छींट रहे हैं जो असल में चावल है। चावल लगभग तो दोस्तों फाइनली मैं और मेरे मित्र जाल को लगा दिए हैं, दोनों मिलकर चारा के रूप में चावल छेड़ दिया हूँ। और दोस्तों हम लोग अभी झाड़ी में छिप कर तीतर या मुर्गियों को आने का इंतजार करेंगे। जैसे ही वो दाना चुगने के लिए आएंगे तो उसके पैर या गर्दन इस जाल में फंस जाएंगे।
दोस्तों कल सुबह कल मैंने जाल को लगाई थी तीतर यानी कोयल को फंसाने के लिए, और अगले दिन यानी आज मैं सुबह सुबह आया हूँ, देखता हूँ जांच करता हूँ तीतर फंसी है कि नहीं। फ्रेंड्स आई एम गोइंग विथ टिप्टो लेग्स और टिप्टो फीट मीन्स विदाउट मेकिंग एनी साउंड। I'm thinking that I will go through with this side. मैं इधर से जाऊंगा क्योंकि जाल की शुरुआत यहीं से हुई है। दोस्तों देखिए मैंने तो बहुत मेहनत करके जाल को लगाया था, ये तीतर फंसाने वाला जाल, जो तार या बोलेंगे छतरी का जो कमानी होता है उससे, और ये बेल्ट के धागे से, और बोलेंगे फिशिंग रॉड का जो धागा होता है उससे, किंतु दोस्तों एक भी चिड़िया यहाँ पे नहीं फंसी है। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने चारा के रूप में चावल के दाने दिया था, किंतु मेरी मेहनत बेकार हो गई। दोस्तों ये चिड़ियों को भी अपना जाल का जान का खतरा होता है, इसलिए बेचारी चिड़िया लोग तो आई नहीं। कोई बात नहीं दोस्तों, दोस्तों फिलहाल मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, और आज नहीं फंसी तो कोई बात नहीं, किसी और दिन मैं कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई अगेन सम अदर डे। सो I have come at the end of this video. So we shall meet you again in the next video, some other day, on some other topic. Okay, dosto, bye. Alvida, shukriya, thank you. Dosto, maine jaal ko to samet liya hai. Ab main chal raha hoon apne ghar ki or. Thank you.